ये गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत, 28 घंटे बाद अंतिम संस्कार, नौकरी आर्थिक सहायता के बाद माने परिजन। पुलिस और प्रशासन के द्वारा मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, 4 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से, 10,000 जनजाति कार्य विभाग और 15,000 रेड क्रॉस एवं सड़क दुर्घटना मद से दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने का भी आश्वासन दिया गया। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक की गाड़ी से बीते दिन हुई टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत के 28 घंटे बाद मंगलवार दोपहर उसका अंतिम संस्कार हो सका। मृतक परिजन पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह के आने के बाद ही अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़े हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे पुष्पराजगढ़ विधायक मौके पर पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें विधायक सिंह ने हादसे में मारे गए पडरी निवासी बहोरन सिंह पाटले पिता चरणू सिंह के परिवार को पुलिस विभाग और प्रशासन से सहायता दिलाए जाने की मांग रखी। पीड़ित परिवार को शासकीय और आर्थिक सहायता प्रदान करने के बाद परिजनों द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार अनूपपुर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बौरीबांध में जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार के शासकीय वाहन से बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार बरोहन सिंह की मौत हो गई और उसका साथी सतीश धुर्वे घायल हो गया। साथ ही एसपी की गाड़ी चला रहे प्रधान आरक्षक रमेश चंद्र दुबे भी घायल हो गए थे। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया गया। समझाइश देने के लिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार और एडीजी डीसी सागर मृतक के घर पहुँचे, लेकिन वे अंतिम संस्कार के लिए नहीं माने। उन्होंने पुष्पराजगढ़ विधायक के आने के बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात कही। विधायक बोले, इकलौता वारिस था, कमी पूरा नहीं कर पाएंगे, यह तो नामुमकिन है। मंगलवार की सुबह ही पुलिस और प्रशासनिक टीम पंडरी गांव पहुंची और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह के पहुंचने का इंतजार शुरू किया गया। दोपहर करीब 12 बजे पुष्पराजगढ़ विधायक मृतक के घर पहुंचे। इसके बाद पुलिस प्रशासन, मृतक परिजन और ग्रामीणों की बैठक शुरू हुई, जिसमें पुष्पराजगढ़ विधायक ने कहा कि मृतक युवक अपने परिवार का इकलौता वारिस था, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, उसकी मौत से पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। इस तरह की मदद बैठक में पुलिस और प्रशासन के द्वारा मृतक के परिवार के एक सदस्य को आदिवासी छात्रावास में अंशकालिक मजदूर सह रसोईया के कार्य पर रखने, 4 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिलाए, 10,000 जनजाति कार्य विभाग, 15,000 रेड क्रॉस एवं सड़क दुर्घटना मद से दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने का भी आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी, एसडीओपी राजेंद्र ग्राम नवीन तिवारी, अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, एसडीएम पुष्पराजगढ़ सुधारक सिंह बघेल सहित पुष्पराजगढ़ विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित रहे। 8/7/2024 दिन सोमवार, समय 9 बजे सुबह, ग्राम बैरी बांध के पास एक ऐसा दर्दनाक दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुई और एक्सीडेंट एक वाहन से जिसका नंबर MP65ZA5346 था और यह पुलिस अधीक्षक अनूपपुर का वाहन है। इसने इतने जोर से एक मोटरसाइकिल में सवार बहोरन सिंह 22 वर्ष ग्राम पंडरी और उसके साथी उसमें सवार थे और मोटरसाइकिल में टक्कर लगने से वो दोनों गिर गए। इस स्पॉट पर ही बहोरन सिंह का मृत्यु हो चुका और एक जो घायल था उसको जो है जिला हॉस्पिटल अनूपपुर में इलाज चल रहा है। यह घटना जो कि पुलिस अधीक्षक से है और इसको दबाने का, छिपाने का ये प्रयास किया जा रहा है। हम मध्य प्रदेश की सरकार से यह मांग करते हैं कि तत्काल एक न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाए और इसको सूक्ष्म जांच कराया जाए
और जो भी इसमें दोषी है और दोषी स्पष्ट है, जितेंद्र पवार जो पुलिस अधीक्षक उस गाड़ी में सवार थे, वहाँ घटना स्थल पर जो ग्रामवासियों ने देखे हैं उनसे भी ऐसी जानकारी मिली है, तो यह स्पष्ट है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गाड़ी उनके डैमेज हो चुका है, गाड़ी को घटना स्थल से लेके छुपा दिया गया है और पूरा प्रशासन इस घटना को लीपापोती करने में लगा है।